गाइज वेलकम टू अमरीश क्लासेस। नंबर सिस्टम के इस नए टॉपिक में, नए कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है रिमाइंडर। रिमाइंडर्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर में। तो इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना। इस वीडियो के इनफैक्ट आपको किसी वीडियो को भी नहीं छोड़ना है, सारी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। सो प्लीज़ वीडियोस मत छोड़ा करो, और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो, अपने डाउट्स ज़रूर कमेंट किया करो। वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट किया करो, सो दैट आपके लिए वीडियोस लगातार आती रहें। और आपकी जो लास्ट वीडियो थी यूनिट डिजिट्स की, उसके जो आंसर्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांच मैंने क्वेश्चंस दिए थे, पांचों के ये आंसर्स लिखे हैं मैंने। 4, 2, 0, 6 एंड 0। सो आंसर्स मैच करो। कोई प्रॉब्लम आई है, कोई डाउट है तो मुझको आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन गलत था, मेरा ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये आ रहा है तो इसका डाउट है। जो भी आपका डाउट है पूछ सकते हो। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिमाइंडर्स की। रिमाइंडर क्या होते हैं? रिमाइंडर तो सबको पता है होता क्या है। अगर मैंने बोला कि मेरे पास नंबर देखा 25, इसको आपको ऐड करना है 4 से, ठीक है, आराम से कर दोगे। 4 5 20, 4 6 24, 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 दैट इज़ 1। सो आप कहोगे कि सर इसका रिमाइंडर है मेरा 1, ठीक है, मैं भी कहूँगा वेरी गुड भाई, ठीक है। मैंने आपको नंबर दिया 51 डिवाइडेड बाय 7, मैं कहूँगा इसको डिवाइड करो, आप कहोगे 7 से 49, और 49 और 50 माइनस 41, 51 माइनस 49, आप कहोगे रिमाइंडर 2, मैं कहूँगा ओके अगेन वेरी गुड। ऐसे मैंने बोल दिया 24 24 बाई 4, फिर आपको 4 6 24, रिमाइंडर 0, वेल एंड गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यही होता है रिमाइंडर, यही चीज़ हमें पढ़नी है। बट हमारी जो हम पढ़ेंगे वो बहुत अलग कंसेप्ट है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे एग्जाम्स में ना, इसका रिमाइंडर बताओ। सो वो हम पढ़ते हैं कि क्या आता है एग्जाम्स में, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले ये वाले रिमाइंडर आपको पता है, ठीक है, एक वो वाला भी आपको पता ही है। मैंने अगर 24 से डिवाइड किया 4 को, तो 4 6 24 और रिमाइंडर 0, तो ये तो हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर, ये हो गया 0 रिमाइंडर, ठीक है। ये सब, ये दोनों चीज़ें तो आपको पता है। अब एक नया कंसेप्ट है जो आपको नहीं पता होगा। नया कंसेप्ट क्या है? नेगेटिव रिमाइंडर्स का। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर अगर आपका जहां पे भी रिमाइंडर जब नेगेटिव आ जाए उसको हम कहते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर कोई मेरी प्रैक्टिकली चीज़ नहीं है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है नेगेटिव रिमाइंडर आना, एक प्रैक्टिकल नहीं है ये, एक मेरा कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, अपने सम्स, अपने सॉल्यूशन जो भी मुझे क्वेश्चंस कर रहा हूँ उनको इजी करने के लिए मैं नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ। नेगेटिव रिमाइंडर कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये था, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन 23 एंड डिवाइडेड बाय 4, कि 23 को 4 से डिवाइड करो और मुझे रिमाइंडर बताओ। तो दो तरीके हैं, या तो आप बोलोगे 4 4 16, 4 5 20, एंड 23 माइनस 20 रिमाइंडर आप बोल दोगे 3 है। मैं ठीक है, मैं ठीक कहूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं कहता हूँ मैंने ऐसे ही नहीं करा, मैंने क्या करा है, मैंने इसको लिखा 4 6 24, 24 एंड 23 माइनस 24 दैट इज -1। मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, 23 डिवाइडेड बाय 4, मैंने करा 4 6 24, और यह रिमाइंडर मेरा कितना आया? -1, रिमाइंडर -1 आया। सो इसमें मैंने बोला कि मेरा जो रिमाइंडर था मेरा, मैंने निकाला है -1, पर मेरा आंसर नेगेटिव। कभी रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है? रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या मेरा आंसर गलत है? इसको मेरा आंसर अगर गलत है, अगर आपने इस आंसर को ऐसे ही छोड़ दिया तो, पर अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, आपने नेगेटिव रिमाइंडर निकाला अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, जहाँ आपको लगा भी कैलकुलेशन ईजी हो सकती है, मैंने निकाल दिया नेगेटिव रिमाइंडर। अब उसमें लेकिन मुझे क्या ऐड करना है? जो मेरा ये डिवाइज़र था जिससे मैंने डिवाइड किया था उसको अगर मैं ऐड कर दूं, मैंने क्या किया -1, और मेरा डिवाइजर था यहाँ पे 4, तो -1 प्लस 4 मेरा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मेरा आंसर सेम मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रिमाइंडर। ये कंसेप्ट है नेगेटिव रिमाइंडर का। नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे तो आपको लगा होगा यार सिंपल है, इसमें क्या कैलकुलेशन ईजी हुई है। नेगेटिव रिमाइंडर मेरा डिफिकल्ट आता है जब मैं थोड़ी बड़ी वैल्यूज ले लेता हूँ, बिगर वैल्यूज लेता हूँ। अब एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने ले लिया 209 डिवाइडेड बाय 7, ये थोड़ा बड़ा नंबर हो गया मेरे लिए। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो मैं एक तरीके से सोचूंगा, मैं क्या करूँगा, 209 है तो मैं कोई नंबर मल्टीपल ढूंढूंगा इसका। मैंने इसको मान लो करा 3 से, 7 3 से 21, तो ये मेरा इससे बड़ा हो गया। मैंने इसको करा फिर 2 से, मैंने इसको सबसे 2 से भेजा, तो 7 2 14, 14 और 14 का मेरा 69, अब 7 7 9 63, 7 9 63, 63 आया, तो 17 63 मेरा यहाँ पे आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया इसमें? मेरा रिमाइंडर आ गया 6, ठीक है, रिमाइंडर 6 बच गया ना।
ठीक है, यहाँ थोड़ा मुझको टाइम लग गया। अब मैं कहता हूँ मैंने ऐसे ना करके मैंने नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट ले लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने डायरेक्ट 7209 होता है, 209 दे रखा था, और मेरा डायरेक्ट जाएगा 30 से, 30 से मेरा डायरेक्ट 7 3 21, और 7 3 21 30 से मैं भेजता हूँ, मेरा डायरेक्ट जाएगा जैसे 7 0 7 3 21, ठीक है, नहीं सॉरी 21, ये ऐसे डायरेक्ट जा रहा है। तो मैंने इसको डायरेक्ट 30 से डिवाइड किया तो मेरा आ जाएगा 210, जो कि मेरा इससे ज़्यादा है। तो 210 7 into 30 210 जाएगा, 210, तो मेरा 209 minus 210, 209 minus 210 आ जाएगा मेरा -1। रिमाइंडर मेरा इधर से -1 आया है, तो मेरा -1 नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है, मैंने +7 इसमें ऐड करा, +7 जब मैंने ऐड करा तो -1 plus 7 = 6, मेरा यहाँ से कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, ये मेरी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए होता है। अब आता हूँ नई चीज़ पे। सो मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया 63 divided by 6, ठीक है, मैंने क्या नंबर दिया 63 divided by 6, ये मैंने आपको नंबर दिया कि इसको रिमाइंडर निकालो, तो वही आप निकालोगे 6 1 6 एंड 6 0 रिमाइंडर 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सिंपल सा है, यहाँ मैं इस बात पे नहीं, मैं आपको ये नई चीज़ बताने जा रहा हूँ क्या, कि अगर मान लो आपको ऐसा नंबर दे रखा है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 60 plus 3 divided by 6 लिख सकते हो, मैं इसको इंडिविजुअली तो भी डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब 60 by 6 plus 3 by 6, मैं इसका रिमाइंडर निकालूंगा, इसका रिमाइंडर निकालूंगा, दोनों के रिमाइंडर को ऐड कर दूंगा। बस मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो कि प्लस के टर्म में दे रखा है, प्लस दे रखा है बीच में, या फिर जिसके बीच में माइनस दे रखा है, तो उसमें ये मैं तो आपको बस एक आंसर मैच करने के लिए बता रहा हूँ। कोई ऐसा नंबर है जिसमें आपको प्लस दे रखा है या बीच में माइनस दे रखा है, तो उस केस में आप इंडिविजुअली दोनों के रिमाइंडर्स निकालो, दोनों के रिमाइंडर्स निकालने के बाद दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट दे कर दो, जो भी आपको जिस हिसाब से भी क्वेश्चन दे रखा है। तो मैंने इसको जब ऐड करा, जब मैंने इसको रिमाइंडर निकाला तो इसका रिमाइंडर मेरा आया 0, इसको जब करा तो मेरा रिमाइंडर आया 3, 0 plus 3 मेरा रिमाइंडर आ गया 3, इधर से भी मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, ठीक है। अब एक बात और सुनो, ध्यान से सुनो इस बात को भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे ध्यान नहीं देंगे बट ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्या है, मान लो मेरे को नंबर दे रखा है 60, मान लो मेरे को एक नंबर दे रखा है 60 into 3, ठीक है, अपॉन में 6, अब बताओ अब क्या होगा मेरा रिमाइंडर, अगर 60 into 3 divided by 6 दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं आपको बता दूं मल्टीप्लिकेशन के केस में भी मेरी ये वाली चीज़ फॉलो होगी, ये चीज़ अभी भी फॉलो हो जाएगी, क्या 60 by 6, अगर रिमाइंडर निकालना हो तब, अगर मुझे रिमाइंडर निकालना हो तब मैंने क्या लिख दिया उसको 60 divided by 6 और into 3 divided by 6, मैंने इनको अलग अलग सॉल्व कर लिया और दोनों के अलग अलग रिमाइंडर्स निकाल लिए। 60 divided by 6 मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, 63 divided by 6 मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइज है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वल टू मेरा रिमाइंडर इधर से 0 आएगा। इसको सॉल्व करके देख लो, इधर से भी आपका रिमाइंडर 0 ही आने वाला है। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि अगर प्लस का साइन है, सब्ट्रैक्ट है, माइनस, कोई भी साइन दे रखा है बीच में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सबके, अगर मेरे को इजी लग रहा है तो मैं इंडिविजुअली सबकी कैलकुलेशन, सबके रिमाइंडर्स निकालूंगा, और फिर जो बीच में साइन दे रखा है वो साइन से मैं उसको ऑपरेट कर दूंगा और अपना आंसर निकाल लूंगा। तो यह एक और मेरा कंसेप्ट पूरा हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब आ रहा हूँ मेन कंसेप्ट पे। मेन कंसेप्ट क्या, एक मेन थ्योरम है, एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस थ्योरम को ध्यान से सुनो, सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आपके आते हैं एग्जाम्स में, मैक्सिमम क्वेश्चन इस थ्योरम से सॉल्व होते हैं। सो इस क्वेश्चन, इस थ्योरम को ध्यान से देखो, थ्योरम क्या है ध्यान से देखो, इस थ्योरम को, मेरे को थ्योरम है एक, एक्स की पावर, लिखते जाओ साथ साथ समझते जाओ, एक्स की पावर वाई माइनस वन अपॉन में वाई। अगर आपका क्वेश्चन है जो कि इस फॉर्म में है, ये फॉर्म क्या है, एक्स की पावर वाई माइनस वन बाय फाइव वाई, इसमें जो मेरा वाई है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ये कंपल्सरी सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, कंपल्सरी कंडीशंस, y मेरा प्राइम नंबर हो और x एंड y आपस में मेरा को प्राइम हो। क्या हो ये, को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, मतलब जिनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, को प्राइम, को प्राइम एग्जांपल, मैंने एक नंबर ले लिया 3 और एक नंबर ले लिया मैंने 5, तो ये दोनों किसी एक, कोई ऐसा एक नंबर जिससे दोनों नंबर जा रहे हो, 2 से 3 से 4 से 5 से, जिनसे दोनों जा रहे हो, कोई ऐसा नंबर नहीं है एक्सेप्ट कौन सा, 1, एक्सेप्ट 1, 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं है ना जिससे ये दोनों नंबर जाएं। सो ये दोनों नंबर्स मेरे को प्राइम हैं, ये होता है को प्राइम नंबर। एक नंबर मैंने ले लिया, मैंने एक नंबर ले लिया 20,
और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 3। क्या कोई ऐसा नंबर है इन दोनों के बीच जो इन दोनों का को कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे दोनों दोनों डिवाइड हो रहे हो एक्सेप्ट वन? नहीं है, एक अकेला नंबर क्या है, वन है। जैसे ये दोनों जाए 1 20 20 1 3 3, सो ये दोनों भी आपस में को प्राइम है। तो जरूरी नहीं है दो नंबर आपस में अगर को प्राइम है दोनों प्राइम नंबर्स ही हों, जरूरी नहीं है को प्राइम की प्राइम नंबर्स ही हों। जरूरी क्या है कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ वन होना चाहिए और वन के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर है तो मतलब वो को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये तो को प्राइम की बात थी, सिंपल सा को प्राइम नंबर्स थे ये। सो मेरा अब आते हैं वापस इस पे, मेरी जो थ्योरम है, मेरी जो ये कंडीशन, जो मेरी थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर मेरा जो डिनोमिनेटर जो ये मेरा वाई है वो एक प्राइम नंबर है और एक्स और वाई दोनों आपस में को प्राइम नंबर्स हैं, अगर ये प्राइम नंबर है ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं और मेरी पावर जो है एक्स की वो वाई माइनस वन मतलब जो रिमाइंडर है उससे एक कम है, वाई माइनस वन है, सो उस केस में जो मेरा रिमाइंडर होता है वो हमेशा मेरा क्या होगा, वन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस थ्योरम से सॉल्व होंगे। क्या है, एक्स की पावर वाई माइनस वन अपॉन वाई, वे वाई इज अ प्राइम नंबर, एक्स एंड वाई इज अ को प्राइम, देन इन दिस केस रिमाइंडर इज ऑलवेज वन। ठीक है, समझ आ गया। एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, एग्जाम्पल लिया 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5। 5 मेरा प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 3 और 5 मेरे को प्राइम है, बिल्कुल है। ठीक है, दो कंडीशन पूरी होगी। अच्छा, प्राइम नंबर भी है, को प्राइम नंबर भी है, तो मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। क्या यूज कर सकता हूँ, देखो ये वाई माइनस वन है, ये मेरा वाई माइनस वन है, वाई मेरा क्या है, वाई मेरा 5 है, और ये वाई माइनस वन कितना होगा, 5 माइनस 1 4। सो 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 3 की पावर 5 माइनस 1, 3 की पावर 5 माइनस 1 4, सो 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर हमारे हमेशा 1 आएगा। सो इसको मैंने बिना टाइम वेस्ट के, बिना इसको सॉल्व करे सीधे ये देखा कि मेरी कंडीशन फॉलो हो रही है, हाँ हो रही है, तो मेरा सीधे सीधे रिमाइंडर जो होगा मेरा 1 होगा, दैट्स इट। ये था मेरा, बहुत सिंपल थ्योरम थी ना। अब इस थ्योरम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर हो। इससे रिलेटेड थोड़े से ट्रिकी एंड थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है, 3 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 5, इसका मुझे रिमाइंडर निकालना है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है ताकि हमें बार बार फॉर्मूला पीछे से देखना ना पड़े, हमें याद हो जाए ताकि अच्छे से। तो 3 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 5, इसमें मेरी देखो 5 मेरा एक प्राइम नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक मुझे। 3 और 5 मेरे को प्राइम नंबर्स हैं, ये भी ठीक है, मतलब मैं कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, अभी नहीं है बट कर सकता हूँ कन्वर्ट। कैसे करूँगा ये चीज़ समझो, ये चीज़ देखो, कन्वर्ट हम कैसे कर सकते हैं। क्या मैं इसको इसको मैं 3 की पावर 20 इंटू 3 अपॉन 5 ऐसे लिख सकता हूँ? मैं 3 की पावर 21 को डिवाइड कर दिया 2 में, 3 की पावर 20 इंटू 3, जब मैं इसको करूंगा तो 3 की पावर 21 ही आने वाला ही है। सो 3 की पावर 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, ये बात भी ठीक है। अब 3 की पावर 20 में भी मैं जो थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे इस 3 की पावर क्या चाहिए, मुझे 3 की पावर चाहिए क्या, 5 माइनस 1 दैट इज 4, 3 की पावर 4 चाहिए। तो 20 कोई ऐसा नंबर जिससे मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो 3 की पावर अगर मैं इसको लिख दूँ 3 की पावर 4, मैंने लिख दिया 3 की पावर 4 और इस होल की पावर मैंने कर दी 5। अब बताओ 4 5 20 बनता है, मतलब ये 3 की पावर 20 ही है, ये बन गया 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू में मुझे दे रखा है 3 और अपॉन में मुझे दे रखा है 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जब मैंने इतना कर लिया तो मैं अब देख रहा हूँ कि 3 के पावर 4 डिवाइडेड बाय 5, ये मेरा एक कंडीशन, ये मेरा एक थ्योरम बन रही है, ये वाली थ्योरम बन रही है, 3 के पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 बन रही है। अब आप कहोगे बट सर यहाँ तो मेरा 5 भी दे रखी है, तो वो तो मेरी थ्योरम को वायलेट कर रही है, नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही वो भी देखो। इधर मैंने क्या लिख दिया, 3 की पावर 4 टाइम्स 5 टाइम्स है ना, तो 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 4, 5 बार लिख दिया, इंटू 3 मुझको दे ही रखा है, अपॉन मुझे 5 दे रखा है। अब मैंने बताया था अगर मेरा मल्टीप्लीकेशन में हो क्वेश्चन तो आप सबको इंडिविजुअली सॉल्व कर लो और आपस में सबके रिमाइंडर्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की पावर 4 बाय 5 मेरा 1 आ जाएगा, 3 की पावर 4 बाय 5 बना जाएगा, यहाँ से बना जाएगा, यहाँ से बना जाएगा, यहाँ से बना जाएगा, इन सब जगह से 1 आ जाएगा। और 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, मेरा क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। तो मतलब अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरा क्वेश्चन है जिसमें मेरा 3 की पावर 4 एक्स की पावर वाई माइनस वन बाई वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन बाई वाई ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो
तो मेरे एक्स की पावर वाई माइनस वन की जो भी पावर हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको सीधे वन लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, थ्री की पावर 4/5 को मैंने लिख दिया वन, और वन की पावर मेरे पास क्या थी यहाँ पे, फाइव थी, तो वन की पावर फाइव, ठीक है, वन की पावर फाइव इंटू में थ्री की पावर फाइव, थ्री डिवाइडेड बाय फाइव दे रखा है, और थ्री डिवाइडेड बाय फाइव अगर मैं करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, मेरा रिमाइंडर थ्री आने वाला है, क्योंकि छोटा नंबर है 3/5, 5 5 0 0, तो रिमाइंडर अगर छोटा नंबर है मेरा डिवाइजर से डिविडेंड छोटा रहे तो सीधे सीधे मेरा रिमाइंडर वही बन जाता है। सो 5 को इससे करूंगा तो मेरा रिमाइंडर इधर आएगा 3, और दोनों के बीच मल्टीप्लाई मुझे करना है तो 1 × 3 दैट इज आंसर इज माई 3, योर आंसर इज 3, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। दोनों का अलग अलग कर दिया पहले, फिर उसको इस फॉर्म में ले आया, इस फॉर्म में लाने के बाद इसको मैंने जब कराया तो मेरा यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे ये वाला रूल लगा दिया, इंटू में 3/5 का रिमाइंडर मेरा 3 ही आने वाला है, और इन्होंने को जब मल्टीप्लाई करा तो मेरा रिमाइंडर आ गया 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 की पावर 85 डिवाइडेड बाई 29, मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। अगेन मेरा 29 एक प्राइम नंबर है, 29 मेरा प्राइम नंबर है, तो 72 और 29 मेरा आपस में को प्राइम नंबर है, को प्राइम है। सो मेरा ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, तो मतलब मैं किसी ना किसी तरह इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो मुझे कैसे करना है, देखो मेरा इस फॉर्म में इसको रिमाइंडर वन लाने के लिए, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मेरा जो 72 की पावर होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, मेरी 72 की पावर होनी चाहिए y-1, y-1 मतलब 28, 72 की पावर 28 हो तो मैं इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। तो 72 की पावर 28 बनानी है, 28 कैसे बनाऊंगा इसकी पावर, मैं देखो 85 को किसी तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ 28 में, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, तो 28 के मल्टीपल देखो, 28 के किस मल्टीपल से मेरा ये नंबर जो है 85 के आसपास या एग्जैक्ट 85 बन सकता है, मैं करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, 3 7 3 8 24, 3 8 24 एंड यहाँ गया 2 3 2 6 78 84, मेरा 84 बन गई है, 28 को 3 टाइम्स किया तो 84 बन गया, मतलब मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 72 की पावर 28 मुझे चाहिए, और इसकी पावर मेरे पास आ रही है 3, 72 की पावर 28 जो कि मुझे चाहिए थी यहाँ पे, इसकी पावर 3 मैंने लिख दी, क्योंकि 3 टाइम तो मेरा 84 बन गया, 84 बन गया, अभी मेरा 85 मतलब एक रिमाइंडर बचा है, एक बचा है मतलब मुझे यहाँ पे इंटू 72 की पावर 1 करना पड़ेगा। अब हो गया मेरा ये पूरा 72, यहाँ से मेरा बन गया 84, 72 की पावर 84 और यहाँ बन गया 72 की पावर 1, दोनों मल्टीप्लाई में है तो मेरी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 84 + 1 = 85, तो मैंने लिख दिया 72 की पावर 28 की पावर 3 इंटू 72 की पावर 1 और अपॉन में मेरा आ गया 29, यहाँ तक मेरा ठीक है। तो मेरा जो 72 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 29 है ये मेरा बन जाएगा 1, और 1 की पावर 3 दे रखी है तो 1 की पावर 3 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 29, मुझे इसका रिमाइंडर निकालना बचा है बस, 72 की पावर 29 का रिमाइंडर और निकालना है मेरे को। तो 72 की पावर 29 के लिए, तो 72 डिवाइडेड बाई 29 मेरा किसे जाएगा, वो बच गया मेरा 72 डिवाइडेड बाई 29। अब 72 डिवाइडेड बाई 29 उसको भी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 29 देखूंगा किससे जाएगा, 29 टू ज़ा मैंने करा तो 2 9 18, 1 2 2 4 58, 58 और 3 से करूँगा तो एक्सीड कर जाएगा, तो 72 - 58 इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 14। तो यहाँ से मेरा क्या बना, 1 की पावर 3 1 × 14 = 14, 14 मेरा इसका रिमाइंडर है, 14 इज माई आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अब आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे, थोड़े डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, बट सब में मेरा क्या दिक्कत, सब में क्या होगा, सब में मेरे यही यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, यही थ्योरम यूज होगी। तो जल्दी जल्दी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है 4 की पावर 2007 डिवाइडेड बाई 17, इसका मुझे रिमाइंडर निकालना है। सो अगेन अगेन मुझे वही चीज़ करनी है, 17 मेरा देखो प्राइम नंबर है और 4 और 17 मेरे आपस में को प्राइम है, तो मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। कैसे करूँगा, मुझे 4 की पावर क्या चाहिए, 16 चाहिए इस क्वेश्चन को, इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए, तो 2007 को मैं डिवाइड कर दूंगा 16 से। जब मैं 2007 को 16 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आएगा, मेरा यहाँ पे आ जाएगा 125 और रिमाइंडर बच जाएगा मेरा, रिमाइंडर बचेगा 7, ठीक है, ये जाएगा 125 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 7 बचेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर कितनी चाहिए मेरे को, 4 की पावर चाहिए 16, तो 4 की पावर 16 और इसकी पावर मेरी कितनी बनी है, 125 आएगी इंटू में मेरा रिमाइंडर बचा है 7, तो मैं 4 की पावर इधर लिख दूंगा 7 और अपॉन कर दूंगा इसको 17,
अब मेरा क्वेश्चन बन गया इस फॉर्म का, तो 4 के पावर 16 बाय 17 तो मेरा 1 बन जाएगा, उसकी 1 की पावर 125 भी मेरा 1 बन जाएगा, तो इसको तो मैं लिख दूंगा 1 डायरेक्ट रिमाइंडर, बच गया 4 के पावर 7 बाय 17 इसका रिमाइंडर। तो 4 की पावर 7 को मैंने कैसे लिख दिया, 4 इंटू, मुझे ईजी करना है कहीं से कहीं किसी तरह से ईजी करना है किसी तरह, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 एक दो तीन चार पाँच छः और सात, 4 की पावर 7 था ना और अपॉन में क्या था 17 था, इन दोनों को मैं 4 4 16, ठीक है, फिर 4 4 16, अगेन 4 4 16, सो यहाँ तो मैं 16 16 16 कर दिया, बच गया 4 बाय 7। तो अब देखो 16 डिवाइडेड बाय 17 रिमाइंडर कितना बचेगा, नेगेटिव रिमाइंडर लाऊंगा, क्यों, मुझे कैलकुलेट इजी करनी है, 17 1 17 रिमाइंडर 16 माइनस 17 दैट इज -1, इधर से रिमाइंडर बचेगा मेरा -1, इधर से बचेगा -1, इधर से बचेगा -1 और इधर से मेरा रिमाइंडर बचेगा 4। सो यहाँ मेरा क्या हो गया 1 into, तो 1 ही रहने दूँ, बच गया ये, बच गया मेरा रिमाइंडर 1 into -3 टाइम्स है तो माइनस ही रहेगा, तो -4, तो मेरा रिमाइंडर आएगा -4, रिमाइंडर माइनस में आया मतलब मुझे क्या करना है, इसमें 17 ऐड करना है, तो -4 + 17 कितना बचेगा, 13 इज माई आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, अब आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 की पावर 5101 + 18 / 31, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना, बट अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है इसको सॉल्व, कैसे बढ़ेंगे दोबारा, वही है मेरा, देखो 31 मेरा एक प्राइम नंबर है और 31 क्योंकि मेरा प्राइम नंबर है, और देखो 19 और 31 अगेन मेरे को प्राइम नंबर है, सो अगेन मैं इस कंडीशन में जाऊंगा, कैसे जाएंगे 5101, 19 की पावर 30 लाना है मुझे किसी तरह, तो मैं क्या करूंगा 5101 को डिवाइड करूंगा 30 से, डिवाइड करूंगा तो मेरा ये किससे जाएगा, ये मेरा जाएगा, आप सॉल्व कर लेना, ये जाएगा आपका 170 से, ये 170 से जाएगा और रिमाइंडर बचेगा इसमें 1, सो मैंने क्या लिख दिया 19 की पावर 30 इसकी पावर 170 इंटू 19 की पावर 1 प्लस 18 अपॉन मेरा 31, ठीक है, अब मेरा जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म मेरी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1 की पावर 170 अगेन 1, सो ये तो हो जाएगा मेरा 1, बच गया क्या मेरा 19 की पावर 1 दैट इज 19 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 31, मुझे इसका रिमाइंडर निकालना बाकी है, सो अगेन मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करने पे मेरा आएगा 37 डिवाइडेड बाय 31 कितना रिमाइंडर आएगा, 31 1 31 रिमाइंडर 37 - 31 दैट इज 6 इज योर आंसर। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्या था सिंपल, बस इसको ले आया मैं 30 की पावर्स में, 30 की पावर मिलाया तो उसकी पावर 170 बन गई, ये तो मेरा डायरेक्ट 1 बन गया इस थ्योरम से, और बाकी क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर दिया और ऐड कर दिया, और जो मेरा जिसे डिवाइड करना था उसे डिवाइड किया, मेरा रिमाइंडर सिंपल आ गया 6। अगेन बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और लास्ट इस टॉपिक से मैं आपको कराऊंगा, फिर आपको एक नया कंसेप्ट बताऊंगा, एक और क्वेश्चन है, एक नया कंसेप्ट, नया फॉर्मूला, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उससे भी बहुत ज्यादा पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, सो एक क्वेश्चन और देखेंगे इस कंसेप्ट पे, फिर आगे नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन, 13 की पावर 73 + 14 की पावर 3 / 11, अगेन मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, मेरे देखो ये मेरा प्राइम नंबर है, मेरा प्राइम नंबर है, ये दोनों मेरे आपस में को प्राइम है, तो मुझे इसको किसी तरह 13 की पावर 11 - 1 दैट इज 10, 13 की पावर 10 बनाने की कोशिश करनी है, तो मैं इसको बनाऊंगा 13 की पावर 10, कैसे बनाऊंगा, इधर मैं लिख दिया 13 की पावर 10 और इसकी पावर क्या बननी चाहिए 10 7 - 70, मतलब ये 7 से चला जाएगा और इंटू में मेरा बचेगा क्या रिमाइंडर 3, तो मैंने इधर लिख दिया 13 की पावर 3 + 14 की पावर 3 मेरा क्वेश्चन में दे रखा था और अपॉन में मुझे 11 दे रखा है, ठीक है यहाँ तक, 13 की पावर 10 / 11 तो मेरा बन गया 1 इस थ्योरम से और 1 की पावर 7 मेरा बन जाएगा 1, तो 1 तो मेरा हट गया रिमाइंडर 1 into 1 into 30 मेरा 13 रहेगा, तो 13 की पावर 3 + 14 की पावर 3 अपॉन में 11। अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा, अब मुझे अगेन मैं अटक रहा हूँ, पर मैं यहाँ पे अटकना नहीं है, छोटी पावर्स हैं, इसको खोलो जल्दी से, 13 into 13 into 13, ठीक है, 14 को क्या लिख सकता हूँ 14 into 14 into 14, ठीक है, और अपॉन में मेरा क्या है, दोनों के अपॉन में 11 हो गया, ठीक है, 11 1 11 रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो इधर से रिमाइंडर 2, इधर से रिमाइंडर 2, इधर से रिमाइंडर 2, सिमिलरली इधर से 11 11 14 - 11 बचेगा 3, इधर से रिमाइंडर 3, इधर से 3 एंड अगेन इधर से 3, सो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, मैंने बताया था ना अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर ऐड भी कर सकते हैं, सो 2 2 4 4 2 8, इस पोर्शन का रिमाइंडर बचा 8 और प्लस का साइन है बीच में, और इस पोर्शन का रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3 3 9 3 9 27, 8 प्लस में और अपॉन में जो क्या करना है अभी डिवाइडेड बाय 11 भी करना है,
चलो 11 अभी डिवाइड नहीं करते, पहले मैं इस पोर्शन को देखता हूँ। इधर से मेरा रिमाइंडर बचा 8, इधर से बचा मेरा 27, दोनों को मैंने क्या करा ऐड कर दिया। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा आएगा 37 और 35, इधर आएगा 35, और मुझे अब 35 जो है किससे, 11 से अभी भी बड़ा है मेरा 35, क्योंकि मेरा 35 जो है वो 11 से बड़ा है। सो मैं इसमें एक क्या करूंगा 35 डिवाइडेड बाय 11 कर दूंगा इसको। जब मैं 35 डिवाइडेड बाय 11 करूंगा सो 11 थ्री ज़ा 33, योर रिमाइंडर विल बी 2, 2 विल बी योर आंसर। समझ आई ये बात? ये बात अच्छे समझ आ गई होगी। सबसे पहले क्या करा था, अब ठीक है, ठीक है ना, यहाँ से 2 2 2 था, इधर 3 3 3 था, इन दोनों को मैंने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई किया 8 आया, तीनों को मल्टीप्लाई किया मेरा 27 आया, दोनों को फिर ऐड कर दिया आ गया 35। 35 अगेन मेरा 11 से ज़्यादा बड़ा रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो 35 को मैंने दोबारा से क्या कर दिया 11 से ही डिवाइड कर दिया। जब मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 11 थ्री 33 एंड 35 माइनस 33 दैट इज 2, 2 विल बी योर आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने नया कंसेप्ट और नई थ्योरम की तरफ। अब हम आते हैं नए कंसेप्ट पे। नया कंसेप्ट क्या है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है जो कि किस फॉर्म में है, वो फॉर्म में है ए एक्स प्लस के की पावर एन अपॉन में ए, इस फॉर्म में दे रखा है जिसमें ए आपका प्राइम नंबर नहीं है, ए आपका कॉम्पोजिट नंबर है। कोई क्वेश्चन दे रखा है जो आपका इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है ए एक्स, एक्स आपका कोई भी मल्टीपल है, ये आपका कोई भी नंबर है, प्लस के की अगेन कोई भी नंबर है, इस होल की पावर एन एंड अपॉन में ए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो कि इस फॉर्म में दे रखा है तो उसका जो आंसर होगा, उसका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा के की पावर एन, ठीक है। सिमिलरली ए एक्स माइनस के होल की पावर एन अपॉन में ए, इसका जो मेरा आंसर होगा, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा होगा माइनस के होल की पावर एन। ये आपका एक नया कंसेप्ट है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, एक ये और एक ये, वैसे दोनों एक ही चीज़ें हैं बट बस प्लस का अंतर है, प्लस और माइनस साइन का, प्लस साइन है तो सिंपल के की पावर एन, माइनस के है तो माइनस के की पावर एन है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई, पर ये आती कैसे है, हमें ये भी तो समझना है कि आ कहाँ से रही है, क्योंकि अगर कोई थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो हमें उसको मॉडिफाई करने के लिए ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है। ये असल में क्या होता है आपका, एक होता है बाइनोमियल थ्योरम, ए एक्स प्लस के की पावर एन दे रखा है ना आपको, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप मान लो कुछ भी पावर दे रखी है तो आपको ए एक्स प्लस के इंटू ए एक्स प्लस के इंटू ए एक्स प्लस के अब 2n टाइम्स तक ये चलेगा और सबको a से डिवाइड करा। मैंने लिखा ax एक्स प्लस के इंटू ए एक्स प्लस के इंटू ए एक्स प्लस के अप टू n टाइम्स, अपॉन में डिवाइड कर दिया इसको a से। तो जब मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन में होता है तो सबको इंडिविजुअली डिवाइड करके इंडिविजुअली फिर मैं उन सबके रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बताया था। तो जब मैं a इस टर्म को मैं इस टर्म पे देख रहा हूँ, बाकी टर्म भूल जाओ, इस टर्म को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो a और ax, ax जो x तुम्हारा खाली a का मल्टीपल है एक, सो ax इन डिवाइडेड बाय a, तो मेरा डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा और मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस टर्म से। तो बिकॉज ax अपॉन में a मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। बच्चा मेरा k, k बाय a, तो k की जो भी वैल्यू है वो, और मेरा यहाँ पे एक k यहाँ बचा रिमाइंडर, ये k मेरा रिमाइंडर बच गया ना इधर से, के मेरा किससे जा रहा है मेरे को नहीं पता, मेरा रिमाइंडर के बचा हुआ है जैसे, ठीक है। तो के रिमाइंडर मेरा के है, अगेन यहाँ से मेरा रिमाइंडर के आएगा, यहाँ से मेरा रिमाइंडर के आएगा, ऐसे एन टाइम्स मेरा रिमाइंडर के आएगा। सो मेरा क्या बनेगा, के की पावर एन बन जाएगा, ये के इंटू के अप टू एन टाइम्स, सो बन गया के की पावर एन। सो मेरा रिमाइंडर क्या बन गया, के की पावर एन। सिमिलरली मेरा यहाँ से आया, यहाँ बीच में माइनस साइन कर दो तो माइनस के अप टू एन टाइम्स, सो के माइनस के की पावर एन। सो ये होता है मेरा मेथड, यहाँ से आता है मेरा ये फॉर्मूला जो मैं बताया ना, ये कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है, वो असल में यहाँ से आ रहा है। और इसको ये जब एक्सपैंड करते हैं ना इसको, हम जब इस पूरे इसको सॉल्व करते खोलते तो एक बाइनोमियल थ्योरम होती है, उससे मेरा ये कंसेप्ट निकल के आता है, ठीक है। हम बाइनोमियल थ्योरम पे नहीं जा रहे हैं, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है यहाँ पे। सो ये चीज़ आपको समझ आई कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपको ए एक्स प्लस के होल की पावर एन अपॉन ए इस फॉर्म में दे रखा है तो उसका रिमाइंडर हमेशा के की पावर एन आएगा।
ये चीज़ आपको समझ आ गई, उसमें भी उस चीज़ में भी जो ठीक है ये चीज़ दे रखा है ओके, बट इसमें भी मेरा और भी अच्छा ऑप्शन हो जाता है, और भी बेटर बन जाता है अगर मेरा के जो दे रखा हो वो मेरा वन हो। अगर मेरा के वन दे रखा है तो मेरा क्वेश्चन और ज़्यादा इजी बन गया और ज़्यादा अच्छा बन गया। तो अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है, ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, आपको दे रखा होता है कि के आपके आपका के वन ही होता है, उसमें नहीं हो रहा तो होता है तो हमें ट्राई करना होता है अगर पॉसिबल हो तो हम के को किसी तरह वन बना दें। ठीक है, के को किसी तरह वन बना दो। कैसे बना सकते हैं, मान लो मुझको यहाँ पे दे रखा है 10x, 10 × 2 या 20 दे रखा है, प्लस 5 अपॉन में मेरा कुछ भी दे रखा है, मुझे उससे मतलब नहीं है अभी, यहाँ पे इसकी कुछ भी पावर दे रखी है, आई डोंट मैटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं किसी तरह 5 को 1 बनाना चाहता हूँ ताकि मेरा इस फॉर्म में आए जिसमें भी मेरा के की वैल्यू 1 रहे, तो मेरा और बेटर है, मैंने बताया था। सो मैं के को, अगर मैं 5 को किसी तरह 1 बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या लूँगा, यहाँ से 5 कॉमन निकाल लूँगा, इसमें से जब मैं 5 कॉमन निकाल लूँगा तो मेरा 5 4 24 + 1 है, यहाँ पे जो भी पावर एन दे रखी है एन पावर बन जाएगी, और मैंने 5 बाहर नहीं निकाला, मैंने 5 की पावर एन बाहर निकाला है, तो 5 की पावर एन जब मैंने बाहर निकाला तो अंदर 4 + 1 की पावर एन, अब मेरा ये इस फॉर्म में बन गया ax + k, और जिसमें मेरा के जो दे रखा हो के मेरा 1 हो। अब मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा, ये चीज़ मेरे ख्याल से अब आपको आ चुकी होगी समझ। अगर ये चीज़ समझ आ चुकी है तो आगे चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1, मैंने यहाँ पे एक लिख दिया क्वेश्चन आपके लिए, इसमें मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया यही वाला जो मैंने आपको अभी समझाया था, ताकि हमें बार बार पीछे जाना ना पड़े इसको समझने के लिए। पहला क्वेश्चन है मेरा 9 की पावर 50 + 1 / 10, इसको मुझे सॉल्व करना है, इसका मुझे रिमाइंडर निकालना है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ मेरा 10 जो है वो मेरा प्राइम नंबर नहीं है, और क्योंकि मेरा 10 प्राइम नंबर नहीं है तो मैं इसमें जो मैंने फॉर्मूला पहले वाला पढ़ा था उस चीज़ को उसको तो नहीं लगा सकता, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस फॉर्मूले को लगा पाऊँ किसी तरह। कैसे लगा सकता हूँ ये देखो, मेरा उसके लिए क्या होना चाहिए, नीचे अगर 10 दे रखा है मतलब मेरा ऊपर भी 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा क्वेश्चन, मैंने क्या लिख दिया इस क्वेश्चन को, मैंने यहाँ लिख दिया 9 की पावर 50 दे रखा था, 9 को मैं 10 - 1 लिख सकता हूँ, 10 - 1 9 होता है, तो 9 की पावर 50 को मैं लिख दिया 10 - 1 की पावर 50। ठीक है, +1 मुझे दे ही रखा है और अपॉन में मुझे 10 भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक क्योंकि आपको दिक्कत नहीं है तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों, यहाँ देखो मेरा ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, इसमें ए की वैल्यू मेरी 10 है, ए की वैल्यू इधर भी 10 है, एक्स की वैल्यू 1 है, मतलब कुछ नहीं दे रखा है 10 क्या, क्योंकि मान लो 20 होता तो वो 10 × 2 वाला टर्म बनता, यहाँ अगर 10 की जगह है मेरा 30 - 1 की पावर 50 / 10 दे रखा होता तो मेरा क्या बनता, 10 × 3 - 1 की पावर - 1, यहाँ पर पावर 50 अपॉन में 10 है, तो मेरा ए तो मेरा 10 था, ए मेरा 10 है, इधर एक्स की जो मैं इधर एक्स टर्म दे रखा, मतलब कोई भी मल्टीपल हो सकता है, इधर मेरा मल्टीपल 1 ही है, इधर मेरा मल्टीपल 3 है, 50 होता तो 50 - मल्टीपल 5 होता। सो वो चीज़ समझ आ गई ना, एक्स मेरा खाली एक मल्टीपल है, मतलब ये 10 की ही मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पर सीधी बात ये है, तो 10 10 का ही मल्टीपल है। सो 10 - 1 की पावर 50 / 10, इस चीज़ को भूल जाओ भी, इस चीज़ को देखो खाली, क्योंकि 10 - 1 तो मेरा इस वाले टर्म से मिल रहा है जिसमें मेरा क्या था, ax - k बताया था मैंने, जो ax - k / a, और इधर इसकी पावर जो है कुछ भी दे रखी है, एन दे रखी है, तो इसके में -k की पावर n होता है, यही होता है, ये बताया था मैंने। सो यहाँ पे वही दे रखा है, 10 - 1 की पावर 50 / 10 ही दे रखा है, तो मतलब जो मेरा इसका इस पोर्शन का जो रिमाइंडर आएगा, इस पोर्शन का जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो मेरा कितना आएगा, 1, क्योंकि -1 दे रखा तो -1 आएगा, के की वैल्यू -1 है ना, ये देखो +1 मैंने यहाँ पे लिख दिया तो रिमाइंडर सीधे 1 आता है, ये अगर -1 होता तो -1 की पावर n आता, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ आगे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1 आएगा यहाँ से -1, और इसकी पावर कितनी दे रखी, 50 दे रखी है, तो -1 की पावर 50 और प्लस में 1/10 मुझको दे ही रखा है। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन था, मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करा, ये फॉर्म मेरा इससे मिल रहा था, बस क्या था, मेरे प्लस के की जगह माइनस के था, तो -1 की पावर कितना है, 50 आई, +1/10 मेरा यहाँ से आ गया। अब -1 की पावर 50 कितना होगा, इवन टर्म है तो 1 ही रहेगा, अगर ऑड होता तो यहाँ -1 आता, तो -1 की पावर 50 तो मेरा 1 होने वाला है, क्योंकि मेरा -1 की पावर 51 होने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 1, और चलो ठीक है ये तो मैंने 1 लिख दिया, और मेरा देखो 1/10 कितना रिमाइंडर आएगा, 1/10 में कितना रिमाइंडर होगा, 1/10 का रिमाइंडर 1 ही तो होगा, 1 को 1 को आप जब 10 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा।
वन बाय टेन का रिमाइंडर वन और माइनस वन की पावर 50 का रिमाइंडर वन, सो वन प्लस इसका रिमाइंडर वन, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, टू इज योर आंसर। हो गया ना क्वेश्चन? हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, 13/78, 13 की पावर 78 प्लस 13 अपॉन में 14। अगेन मेरा 14 प्राइम नंबर नहीं है तो वो पहले वाला फॉर्मूला मैं लगा नहीं सकता, तो मैं इस वाले फॉर्मूले पे आता हूँ। तो मैं 13 को किसी तरह 14 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 13 को मैं 14 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो मैंने 13 की पावर 78 को क्या लिखा, मैंने 13 की पावर 78 को लिखा 14 माइनस 1 पावर 78 प्लस, यहाँ 13 मेरे को दे ही रखा था, अपॉन में मेरा 14 है ही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन मेरा इस वाले टर्म में ही बन गया 14 ए एक्स माइनस 1 अपॉन में ए, ए एक्स माइनस 1 की पावर n अपॉन में a, क्या आएगा इसका रिमाइंडर, माइनस 1 की पावर 78 रिमाइंडर आएगा। सो ये माइनस 1 की पावर 78 मेरा यहाँ से आ गया, इस टर्म से मेरा माइनस 1 की पावर 78 आ गया इस वाले टर्म से, और प्लस 13 बाय 14 बचा है, प्लस 13 बाय 14 बचा है। अब 13 बाय 14 इस चीज़ को मेरे पास सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, या तो मैं दोनों मेथड एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ, या तो मैं क्या कर दूँ, या तो मैं यहाँ पे लिख दूँ माइनस 1 की पावर 78 तो चलो मेरा 1 ही होगा, सो ये तो आ गया मेरा 1, ठीक है। और 13 बाय 14 का मेरा रिमाइंडर क्या आने वाला है, 13 ही आने वाला है, क्योंकि 14 जो है 13 जो है 14 से छोटा है, तो 1 प्लस 13 मैंने कर दिया, 1 प्लस 13 क्या आया, 14 आया, 14 को मैं दोबारा 14 से डिवाइड करूंगा क्योंकि मेरा 14 है वो जो कि बराबर है। अब 14 बाय 14 आया, इसको मैं जब डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ये हो गया पहला तरीका सॉल्व करने का। सेकेंड मेथड इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, माइनस 1 की पावर 78 को मैं 1 लिख सकता हूँ, और प्लस प्लस मेरा क्या देखा, 13 बाय 14 दे रखा, 13 बाय 14 मैं नेगेटिव रिमाइंडर सोचता हूँ, 14 मतलब 14 तो मेरा 14, 13 माइनस 14 माइनस 1, सो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया, माइनस 1 आया, माइनस 1 आया, और 1 माइनस 1 मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। तो मतलब रिमाइंडर मेरा यहाँ से भी 0 आ रहा है, रिमाइंडर मेरा यहाँ से भी 0 है, रिमाइंडर मेरा यहाँ से भी 0 है। जो मेथड आपको लगता है आज के लिए ज़्यादा ईजी है और जो आपके लिए ज़्यादा कम टाइम कंज्यूमिंग है, उस मेथड को ऑप्ट करो, उस मेथड से आप सॉल्व करो, और जो ऊपर वाला मेथड था उसके लिए तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा ही रखा है, कोई दिक्कत है नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 की पावर 27 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 26। अगेन 26 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, मैं अगेन इस मेथड पे आने की कोशिश करूंगा, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। मैंने क्या किया, 27 को 26 के किसी टर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 27 को 26 प्लस 1 नहीं लिख सकता मैं, क्यों नहीं लिख सकता, तो मैंने यहाँ लिख दिया 26 प्लस 1, इसकी पावर कितनी दे रखी है मुझे, 27 दे रखी है, और आगे कितना देगा, प्लस 1 दे रखा है, एज ए नीचे 26 लिख दिया, 26 ए एक्स प्लस के की पावर एन अपॉन में ए, ये कितना बन जाएगा मेरा, 1 की पावर 27 बन जाएगा। सो मैंने इधर लिख दिया 1 की पावर 27 प्लस 1 बाय 26 दे रखा है, 1 बाय 26 का रिमाइंडर 1, सो 1 प्लस 1 2, 2 इज योर आंसर, 2 मेरा रिमाइंडर आ गया। अब तो ये क्वेश्चन मेरा ओरली हो रहा है, मैं अगर यहाँ ना भी लिखूँ ना तो भी मैं ओरली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, है ना, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगेन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 68, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम पेन नहीं उठाते, इसको मैं ओरली करूंगा, ओरली करो मेरे साथ। 67 को मैं 68 के किस टर्म फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 68 माइनस 1 की पावर 67, मैंने लिखा 67 को 68 माइनस 1 की पावर 67 और प्लस 68 वो हम बाद में करेंगे, पहले 68 माइनस 1 की पावर 68। अब मेरा ये इस फॉर्म में बन चुका है, मेरा माइनस 1 था 68 माइनस 1 की पावर 67/68, तो ये मेरा माइनस 1 की पावर 67 बनेगा, क्योंकि ये मेरा माइनस 1 की पावर 67 बनेगा, तो और क्योंकि माइनस 1 की पावर क्या है, ऑड है, ऑड है, तो मेरा माइनस 1 ही आने वाला है। सो इस पोर्शन का तो रिमाइंडर मेरा आ गया माइनस 1, माइनस 1 आ गया, माइनस 1 अब दिमाग में एक तरफ रखो, इधर बचा 67/68, 67/68 का रिमाइंडर क्या आएगा, 67 जो है वो 68 से क्या है, छोटा है, क्योंकि 68 से छोटा, तो मेरा रिमाइंडर 67 ही रहने वाला है। इधर से रिमाइंडर मेरा आया 67, इधर से रिमाइंडर मेरा आया था माइनस 1, 67 माइनस 1 कितना होता है, 66 हो गया, 66 इज माई आंसर, बहुत सिंपल था, आगे समझ, इसको यहां लिख देता हूं, 66 मेरा रिमाइंडर है, ठीक है, ये मेरा रिमाइंडर है, बहुत सिंपल था। इसको अगर आप हाथ से लिख के करोगे तो भी कर सकते हो, मैं क्या, मैं ट्राई चाहता हूं आप ओरली करो क्वेश्चंस को दिमाग में, इतने सिंपल क्वेश्चन है, आप ओरली भी कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में आ रहा था मैं इसको नेगेटिव रिमाइंडर लूँ, तो आप नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हो, कैसे, 67/68 था, 68/68 रिमाइंडर आएगा माइनस 1, इधर से रिमाइंडर माइनस 1 आया, इधर से रिमाइंडर माइनस 1 आया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, रिमाइंडर मेरा माइनस 2 आया, रिमाइंडर मेरा नेगेटिव हो नहीं सकता, तो मैं इसके ऐड करूंगा 68 ऐड करूंगा, 68 माइनस 2 मेरा 66 आंसर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने पेन नहीं उठाया, हमने ओरली कराया क्वेश्चन को। अब हम आते हैं, तो ये तो आपका हो गया, ये इस कंसेप्ट की मैंने आपसे क्वेश्चन करा दिए बहुत सारे।
सो मैंने आपके दो कंसेप्ट आपको मेन पढ़ा है जो कि जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो उन दोनों कंसेप्ट के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए और हमने सीख लिए कैसे करना है और ओरली भी कर लिए। अब आपको जनरल कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं आपको उस टाइप के दिखाता हूँ क्योंकि उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखो पहले। अब तो ये आपका एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये अ नंबर एक्स व्हेन डिवाइडेड बाय 289 लीव्स अ रिमाइंडर 18, ठीक है। द सेम नंबर, वही सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17 लीव्स वाई एज अ रिमाइंडर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ रिमाइंडर वाई, वैल्यू ऑफ वाई बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, देखो कैसे करना है अप्रोच। इस क्वेश्चन की अप्रोच देखो आप, सबसे पहले सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखते हैं, ये आपका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है एक नंबर x वन डिवाइडेड बाय 289, एक नंबर x है, ठीक है, उसको हमने कैसे डिवाइड करा, 289 से डिवाइड करा, और मेरा रिमाइंडर कितना आया, इसमें मेरा रिमाइंडर आया 18, इसको x बाय 289 से रिमाइंडर आ गया 18, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन में ये दे रखा है, अगर ये दे रखा है मतलब मेरा कोई ना कोई क्वेश्चन भी आया होगा, मतलब कुछ जैसे इसको क्या करते हैं, ये होता है ना x दे रखा है, इसको मैंने 289 से डिवाइड करा, तो 289 टाइम्स समथिंग गया होगा, मालूम मेरा ये गया n टाइम्स गया, और यहाँ पे रिमाइंडर जब इसको सॉल्व करा तो मेरा रिमाइंडर आया इधर से, मेरा 18 दे रखा है, 18 मेरा रिमाइंडर आया, यही दे रखा है। तो मेरा n भी कुछ आया होगा क्वेश्चन, उसका भी यूज़ करेंगे हम, क्योंकि बिना उसको यूज़ करें हम क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करेंगे, हमें दो क्वेश्चन दो अलग कंडीशन दे रखे हैं उनको कंपेयर करना है। x बाय 289 दे रखा है हमें, x डिवाइडेड बाय 289, रिमाइंडर 18 आया और क्वेश्चन मेरा n आया, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू n, आइए क्योंकि ये मेरा इज इक्वल टू n है। अच्छा, अब मेरा एक फॉर्मूला होता है, एक हमारा रूल होता है जो हमने पढ़ा था, वो क्या था कि जैसे ये हमारा डिविडेंट होता है ना, तो डिविडेंट मतलब x डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, तो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंट, यही हमने पढ़ा था। ये हमें पता है कि जो ये डिविडेंट होता है ये डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, तो इसमें मेरा क्वेश्चन क्या है, n है, इसमें मेरा रिमाइंडर 18 है, इसमें मेरा डिवाइजर 289 और डिविडेंट x है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ दैट x इज इक्वल टू 289 टाइम्स n, 289 इनटू n क्योंकि n मेरा क्वेश्चन है, प्लस रिमाइंडर मेरा 18 है, ये मैं लिख सकता हूँ, प्लस में 18 है, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ ना, दैट x इज इक्वल टू 289 n प्लस 18, यहाँ तक तो समझ आ गया, ठीक है। अब मुझे अगली कंडीशन क्या दे रखी है, द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17, जब सेम नंबर, सेम नंबर कौन सा, x, x को मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूँ, लीव्स y एज अ रिमाइंडर, मतलब जब मैंने x को 17 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया, y आया, रिमाइंडर है मेरा, क्वेश्चन नहीं है, रिमाइंडर आया मेरा y, ठीक है। अब मुझे बताना है कि y की वैल्यू क्या है, इसमें कोई क्वेश्चन आया होगा, अब पता है मेरे पास कितने सारे अननोन है, मुझे एक्स भी नहीं पता, मुझे वाई भी नहीं पता, मुझे इसका जो क्वेश्चन आएगा एन वन ले लो वो भी नहीं पता, तो यहाँ मेरा कॉम्प्लिकेशन बन रही है। बट मेरा यहाँ मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि मेरा 289 जो है, 289 जो है वो मेरा 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 क्या मल्टीपल है 289, कैसे, मेरा 17 का स्क्वायर क्या होता है, मेरा 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो मैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे आने की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 17 इंटू 17 और इंटू में n दे रखा है, तो 17 इंटू 70 n प्लस 18 को भी मैं 17 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 17 प्लस 1, समझ आया यहाँ तक, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने x को 289 n प्लस n था, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया, मैंने 289 को 17 इंटू 17 n लिख दिया प्लस 17 प्लस 1 लिख दिया। अब इस पोर्शन में से, इस पोर्शन में से मैं 17 कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ, मैंने क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप माइंड में रखो, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया बाहर, 17 कॉमन निकाला, तो अंदर मेरा बचा क्या, बचा 17n बचा प्लस 1 बचा और प्लस 1 यहाँ बचा, प्लस 1 एज इट इज मेरा बाहर लिखा हुआ है, 17 इसमें से मैंने बाहर निकाला तो 17n प्लस 1 बचा, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब आपका 50% क्वेश्चन पूरा हो गया, मैक्सिमम पार्ट क्वेश्चन का पूरा हो गया। अब देखो मेरा x जो मेरा अननोन थी, x मुझे नहीं पता था, x मुझे अब पता है,
एक्स को मैं 17 इंटू 79 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ये मेरी एक्स हो गई। और क्वेश्चन की सेकंड लाइन आप पढ़ो, द सेम नंबर बोले तो एक्स मतलब एक्स ये, इस नंबर को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर वाई आएगा। तो इस नंबर को वो 17 से डिवाइड, इस नंबर को वो 7 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है ना, ये कह रहा है कि इस नंबर को 7 से डिवाइड करो, इस नंबर को वो कह रहा है कि 7 से डिवाइड करो, ठीक है। तो मैंने इसको 7 से डिवाइड कर दिया, एक्स बाय 7 मतलब 17 दे रहा है ना, 17 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है। तो एक्स बाय 17 कुछ को करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने इसको डिवाइड बाय 17 कर दिया, 17 इंटू 17 एन प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 17, मैंने यहाँ तक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। और अब देखो मेरा 17 इंटू 17 एन प्लस 1 बाय 17, ये मेरा 17 इससे डायरेक्ट पूरा चला जाएगा, क्योंकि ये इसी का मल्टीपल है, इसी का ये मल्टीपल है, मतलब ये तो डायरेक्ट पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब इस पोर्शन का रिमाइंडर, जो इस पोर्शन का रिमाइंडर है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा। क्यों, दोबारा देखो, 17 इंटू 17 एन प्लस 1, इसको डिवाइड किया 17 से, ये पूरा का पूरा मल्टीपल है 17 का, ये वाली टर्म जो है ये पूरी 17 की मल्टीपल है, तो ये एज इट इज 17 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर इसमें कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इसका रिमाइंडर जीरो आ गया। बचा कौन सी टर्म, बची 1/17 की टर्म, तो क्या बचा, 1/17 बचा, और 1/17 का रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। सो 1 इज माई आंसर, दैट्स इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हल्का सा हमें दिमाग लगाना था, क्या लगाना था कि मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, डिवाइजर डिविडेंड क्वेश्चन रिमाइंडर के फॉर्म में लिख दिया, और उसमें मेरा 17 से डिवाइड किया, मतलब कुछ ना कुछ इनने 17 से रिलेशन इसमें रखा होगा। तो मैंने देखा ये 17 इंटू 17 एन लिख सकता हूँ, इसको मैं 17 प्लस 1 लिख सकता हूँ, इसमें से मैं 17 कॉमन लिया, 17 जब मैंने कॉमन लिया तो मैंने इसको इस टाइम इस फॉर्म में लिख दिया। अब मेरे से बोला था कि ये 17 से डिवाइड करो, मैंने 17 से डिवाइड किया, 17 से डिवाइड करा, तो ये मेरा पूरा का पूरा मल्टीपल था, ये एज इट इज डिवाइड हो गया, बच गया 1/17, 1/17 का रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3^2n प्लस 9n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, यही बोला है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मेरे से बोला है 3 है, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इसमें ध्यान दो, ये भी हम और इसमें मैं पेन यूज़ भी नहीं करूँगा, इसमें देखो 3^2n दे रखा है, 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, मेरा 3 से एज इट इज डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर इस पोर्शन का रिमाइंडर जीरो, ठीक है। बचा 9n/3, 9n अगेन 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो मतलब अगेन इसका रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो। बचा 5/3, 5/3 में 3 1s 3, रिमाइंडर कितना बचा, 5 - 3 दैट इज 2, इसका आंसर है 2, रिमाइंडर मेरा बचा 2, ठीक है, हो गया। सिंपल क्वेश्चन था बहुत, ओके। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ आपके होमवर्क के लिए, हमने जितना करना था वो हमने कर लिया है, अब मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ होमवर्क के लिए। उससे पहले एक बात और ध्यान दो, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, क्योंकि ऐसा ज़रूर होगा कि आपको डाउट्स आ रहे होंगे, अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी वीडियो में आ रहा है, तो आपके जो भी डाउट्स हैं उनको आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखो, उनको कमेंट बॉक्स में लिखो, हम वो सारे डाउट्स पढ़ते हैं। उन सारे डाउट्स को मैं नंबर सिस्टम की जब सारी वीडियोस बन जाएंगी, मेरे ख्याल से 1 वीडियो और आनी है, 1 वीडियो और आएगी नंबर सिस्टम की, उसके बाद उन सारे डाउट्स को मैं आपके कवर करूँगा। जितने भी डाउट्स हैं सब कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ, तभी आपको फ़ायदा है, क्योंकि वीडियोस में डाउट्स आ रहा होगा, दैट ये तो पक्की बात है, और लोग लिखते भी हैं, बच्चे लिखते भी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए डाउट्स। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो उनको, मैं आपके एक लास्ट वीडियो जो बनाऊंगा नंबर सिस्टम की, उसमें कवर करूंगा, आपके सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे उस वीडियो में। सो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स जो भी आ रहे हैं उनको ज़रूर लिखो। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये हैं कुछ क्वेश्चंस आपके जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करो और टाइम लिमिट लगाओ, 7 क्वेश्चंस हैं, 7 मिनट की टाइम लिमिट लगाओ, उन 7 मिनट्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जो भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखो, आपकी नेक्स्ट वीडियो जो आपकी लास्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, उसमें आपके सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।